करेक्ट टाइम मिलने से हम उनके ऊपर अटैक कर देंगे। सो है माइनक्राफ्ट लवर्स, तो ये कहानी स्टार्ट होती है सुबह 7 बजे, जब मैं अपनी मुंह धो के मैं अपना ब्रेकफास्ट करने जा ही रहा था, तब मैंने सोचा क्यों ना आज मेरी इस प्यारी सी विलेज को एक नज़ारा देख ले। तो मैं अपने विलेज को नज़ारा देखने के लिए ऊपर ही चढ़ ही रहा था, और चढ़ के मैं अपने विलेज को देख ही रहा था क्योंकि उधर से मेरा नेदर पोर्टल भी दिख रहा था। फिर अचानक से मेरा ध्यान इस टेंपल टाइप कुछ हाउस पे गया, तभी से मेरा डाउट स्टार्ट हो गया कि ये है क्या, फिर क्या करना था। मैं अपना बोरिया बिस्तर बांधा और उस गांव की ओर, उस जो एरिया दिख रहा था उसकी ओर मैं रवाना हो गया। तो अगर हमें डैमेज नहीं लगना है तो हमें प्लान्स को लेके कूदना होगा। लाल नहीं हुआ यार, बुरा, दिल से बुरा लगता है इसे। तो उस गांव की ओर हम चलते हैं और देखते हैं कि वहां पे है क्या। और ये क्या भाई लोग, कितना डरावना सीन है यहाँ पे, तुम लोग देख सकते हो। अगर हम यहाँ से अगर गिरे तो हमारा काम तमाम है। भला इसी में है कि हम यहाँ से दूर जाके रह सके, और अगर यहाँ पे गिरे तो हमारा बचना नामुमकिन है। और ये क्या, आते ही सुबह सुबह एक मूव्स का दर्शन हो गया, तो क्या ही बोले। तो ये है हमारे विलेजर्स का विलेज, जो कि हर जगह हर विलेज में आके रेड करते हैं। शायद हमारे विलेज में भी किया होगा, तब हम नहीं आए होंगे इस विलेज में। अगर ये भी नहीं है, ये देखो ये लोग कुछ प्लान बना रहे हैं हमारे विलेज पर अटैक करने के लिए, लेकिन इन लोगों को पता ही नहीं है कि हम इन लोगों के ऊपर अटैक करेंगे। लेकिन अभी नहीं, फिलहाल छुप के देख लेते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने हमें देख लिया तो हमारा काम तमाम है, छोड़ने वाले नहीं है ये लोग। ओ नो ओ नो गाइस, देख ली भाई लोग, देख लिया उन्होंने हमें, अब छोड़ने वाला नहीं है। कुत्ता के जैसे दौड़ा के मारेगा अब वो लोग। देखो देखो, काम तमाम, गया गया मेरा जितना भी चीज था सब सामान गया लगता है, सोर्ट गया। ओ शिट, तो फिर से हम रिस्पॉन हो चुके हैं गाइस, तो इस बार कोई चिंता नहीं। फिर हम जाएंगे वहां पे और फिर से हम उस चीज़ों को कलेक्ट करेंगे, फिर से हम बनाने वाले हैं नहीं, क्योंकि जहाँ पे मैं मरा था वहाँ से ही सब सामान मेरा गिरा हुआ होगा। और हम फिर से जाएंगे, वही सामान छीप चुपके से कलेक्ट करेंगे और फिर वही लोग को ऊपर धावा बोल देंगे, क्योंकि मेरा गलती हो गया, हमें उनके ऊपर भागना नहीं था। मैं डरपोक नहीं हूँ, मैं हूँ विपुल, विपुल गेमर, जो है माइनक्राफ्ट का किंग, मानो या ना मानो। और मैं भाग गया तो मुझे बहुत बुरा लगा कि मैंने गलती कर दिया, भागना था ही नहीं। लेकिन इस बार मैं उन लोगों को दिखाने वाला हूँ कि अब मैं क्या कर सकता हूँ। एक बार सिर्फ मेरा सोर्स और जो भी था, जो जो मेरा वहाँ पे छूट गया, वो सब कलेक्ट हो जाए, फिर मैं दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ। फिर हम उन प्लेगर्स को पूरी तरह बर्बाद करके छोड़ेंगे। और ये हमारे जितना भी सामान था कलेक्ट हो गया है, लेकिन मेरा कुछ खाना बाकी है जो नीचे शायद गिरा हुआ होगा। हाँ, मेरा चिकन, अगर यहाँ से हम गिरे तो हमारे काम पूरा तमाम है। अगर और गिरे तो रिटर्न हमें जो चीज़ मिला है, हेलमेट ये सब, फिर से पाने का कोई चांस नहीं है। इसलिए हम आराम से इसके ऊपर चढ़ेंगे गए हैं। अब प्लेगर्स को हम दिखाने वाले हैं गाइस कि हम लोग क्या कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, अब जल्दी से चल के वही लोगों को अटैक कर देंगे और देखते कि हमें कौन कौन रोक सकता है। और नाम लेते प्लेगर्स हमारे यहाँ पे आ चुका है, लेकिन इस बार देख लो मेरा डैमेज कितना बढ़िया था, कितना अच्छा मूव था। इस बार पूरा गांव को हम लोग कैप्चर, इन लोग को ट्रीटमेंट टावर है वहाँ पर हम लोग कैप्चर करने वाले हैं। और वो अगर हमारा कैप्चर हो गया तो पूरा एरिया हमारे कंट्रोल में, और कोई रेड करने वाला नहीं होगा, और जितना भी विलेजर्स है सब हैप्पी रहेंगे। तो इस देश को बचाने के लिए हमें अपने जीवन को दांव में लगाना ही होगा गाइस, क्या ही बोलो। अरे शायद उन लोगों ने देखा नहीं है, लेकिन देख लिया, एक जन देख लिया है। हाँ हाँ, सब पता नहीं, मैंने उस प्लेगर्स को मारा तो मेरा शरीर से एक बदबू टाइप उठ रहा है, कुछ बैड ओमेन
हाँ, बैड ओमेन का साइन दे दिया है और टाइम भी दे दिया, पता नहीं क्या है ये। अगर तुम लोगों का पता है तो कमेंट में ज़रूर बोलना गाइस, क्योंकि ये मुझे पता नहीं है। और देख लो ऊपर में बैनर लगा हुआ है इसका, क्या बोलते हैं उसको, रेड का बैनर लगा हुआ है कि ये लोग रेड करते हैं। ये लोग वैसे बहुत बदमाश होते हैं, रेड करना है तो करो भाई। अब विलेजर्स को मारने भी स्टार्ट कर देते हैं, क्या बोले। तो इन लोगों को सफाया करने के लिए हम इस धरती में उतरे हैं और इन लोगों को पूरा सफाया करके छोड़ेंगे। वैसे तो बोला जाए तो ये टावर देख लो कितना खूबसूरत से बनाया है, और ये टावर है अब मेरे अंडर में, ये टावर अब कैप्चर हो गया है और ये एरिया अब मेरा तरफ हो गया है। देख सकते हो कि पिलेगर्स की दुनिया में आके हम लोग उसी को कैप्चर कर लिए, और सुंदर सा व्यू देख रहे हैं सनसेट का। वैसे चेस्ट में उतना खास कुछ है नहीं, फिर भी पता नहीं क्या लूटते हैं, लकड़ी ये तो कॉमन चीज़ है जो मेरा पास खुद रहता है। और वहाँ पे एक पिलेगस है जो पानी में डूब, उसको भी हम यहाँ से ही डैमेज देंगे। चिप किया, डैमेज लगा, अब फिर वो चिप जाएगा। देखो देखो देखो, पानी के अंदर घुस गया डर के मारे, लेकिन कोई बात नहीं। अब हम उतरते नीचे की ओर, अंधेरा हो चुका है, कुछ लाइट्स है जो जल रहे हैं ऊपर में, पता नहीं कहाँ से लाइट्स आ रहे। अंधेरा हो चुका है तो हम नीचे उतरते हैं। ये पिलेगस लोग सीढ़ी में कोई लाइट टॉर्च भी नहीं दिए, तो नीचे उतर के देखते हैं कि क्या किया जाए। गेट कहाँ से मुझे मालूम नहीं था, तो गेट हमें मिल चुका है और चलते हैं अपने घर की ओर। ओ शेट, पिलेगस फिर से आ गए। पिलेगस जितना सामान था मेरा सब काम तमाम हो गया। छोड़ दे भाई छोड़ दे। ओ शेट,